नमस्कार दोस्तों, मैं रेनु बहन आज मनोविज्ञान के कुछ टॉपिक्स को आपको क्लियर करवाऊंगी। आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा व्यक्तिगत विभिन्नता। नव भारती पीटी कॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, व्यक्तिगत भिन्नता। आप सब जानते हैं कि मनुष्य में कुछ समानताएं होती है, जैसे सब खाना खाते हैं, सब खाना खाने के साथ साथ खाना बनाते भी हैं, अदर एक्टिविटीज जो है उसमें सिमिलरिटी होती है, बट कई ऐसी चीजें हैं जिनमें मनुष्य भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य में अनेक असमानताएं भी पाई जाती है। जैसे क्या क्या असमानताएं पाई जाती है वो हम व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत देखेंगे, क्योंकि आप सब शिक्षाविद हैं, आप बीएड धारी हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि एक बालक जो है किस औसत विभिन्नता उसमें पाई जाती है और उसी विभिन्नता के आधार पर उसको किस प्रकार का शिक्षण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, एक शिक्षक के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए बीएड सेकंड ईयर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्यक्तिगत भिन्नता। अब बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता में क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में अनेक शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने कई परिभाषाएं दी है कि व्यक्तिगत भिन्नता किन किन रूपों में हमें दिखाई देती है। व्यक्तिगत भिन्नता की अगर हम बात करें तो शरीर, रूप, रंग, शारीरिक, मानसिक सभी रूपों में हमें भिन्नता हर मनुष्य में दिखाई देती है। जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग अलग होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक होती है। इसी के साथ कई शिक्षाविदों ने इसके बारे में डेफिनेशन दी है, वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले एम डी दास जो कि एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, एम डी दास ने कहा है कि विशिष्ट गुण जो व्यक्ति में है अगर उसको मापा जा सके वही उसकी व्यक्तिगत भिन्नता है। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत विशिष्ट गुण जिसको मापा जा सके वही व्यक्ति भिन्नता कहलाती है। ये कहा एमडी दास ने। स्कीनर क्या कहता है? स्कीनर जिसने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, जो महान मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, उन्होंने क्या कहा? स्कीनर कहता है व्यक्तित्व का ऐसा पहलू जिसको मापा जा सके व्यक्तित्व का ऐसा पहलू जिसे मापा जा सके वही व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ये कहा स्कीनर। टायलर क्या कहता है? टायलर भी इसके बारे में अपनी डेफिनेशन देता है और टायलर साहब व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? शरीर रचना, आकृति, बुद्धि, अभिवृद्धि। शरीर रचना, शरीर आकृति, बुद्धि, अभिवृद्धि आदि में विभिन्नता की व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। ये किसने कहा? टायलर साहब ने कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता ये होती है। इसके बाद अगर हम बात करें व्यक्तिगत भिन्नता की, तो व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जेम्स ड्रेवर साहब ने कहा। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि औसत रूप से मानसिक व शारीरिक विभिन्नता को व्यक्तिगत
व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। ये किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। इसके अलावा क्रो एंड क्रो ने भी इसकी डेफिनेशन ली है। क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा, स्कीनर और क्रो एंड क्रो, इसने सबसे ज्यादा डेफिनेशन दी है शिक्षा मनोविज्ञान में। क्रो एंड क्रो ने इसके बारे में क्या कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो इसके बारे में कहता है शारीरिक, मानसिक, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक व सामाजिक भेद, जिसको उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़े। विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़े वही क्या है? व्यक्तित्व भिन्नता। ये कहा क्रो एंड क्रो ने। तो ध्यान से एक बार दोबारा सुने, एमटी दास ने क्या कहा? एमटी दास ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के विशिष्ट गुण जिसको मापा जा सके वही क्या है? व्यक्तित्व भिन्नता है। इसके अलावा स्कीनर कहते हैं कि व्यक्तित्व का कोई भी पहलू जिसको मापा जा सके वही व्यक्ति भिन्नता है। इसके अलावा टायलर साहब कहते हैं शरीर रचना, आकृति, बुद्धि, अभिवृत्ति, मापन और व्यक्तित्व आदि के जो गुण हैं उनको अगर मापा जा सकता है तो वही है व्यक्तित्व भिन्नता, ये कहते हैं टायलर साहब। इसके अलावा जेम्स ड्रेवर, उन्होंने कहा कि औसत रूप से मानसिक व शारीरिक रूप से भेदभाव को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। इसके अलावा क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शारीरिक मानसिक संवेगात्मक व सामाजिक भेद जिसको उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़े वही क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता है। अब बात आती है कि इन सब परिभाषाओं से हमें ये तो पता चल गया कि व्यक्ति में कौन कौन सी विभिन्नता हमें देखने को मिल सकती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो है किन किन रूपों में हमें दिखाई देती है वो हम इसमें पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता किन किन रूपों में हमें दिखाई देती है। तो वो ध्यान से देखिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता किन किन रूपों में हमें दिखाई देती है। तो अगर हम बात करें व्यक्तिगत भिन्नता की, तो व्यक्तिगत भिन्नता हमें चार रूपों में दिखाई देती है। तो वो देखो कौन कौन से रूपों में दिखाई देती है। पहला है आपका मानसिक, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, संवेगात्मक दृष्टि से, और चौथा आता है आपका सामाजिक दृष्टि से। आपने चार तरीके की विभिन्नता हमें देखने को मिलती है परिभाषाओं के आधार पर। पहला मानसिक, दूसरा शारीरिक, तीसरा संवेगात्मक और चौथा सामाजिक। तो पहला देखो मानसिक रूप से कैसे विभिन्न होता है बालक दूसरे बालक से। आपने देखा होगा बीने, स्टार्ट, टर्मन, इन सब मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि के आधार पर मनुष्य के मानसिक विकास को एक मापन किया है। तो उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे जीनियस होते हैं, कुछ बच्चे मंदबुद्धि होते हैं और कुछ बच्चे जड़ बुद्धि होते हैं। तो इस तरीके से बालकों में मानसिक रूप से अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। उसके बाद है शारीरिक विकास। आप जानते हैं कुछ बच्चे दुबले होते हैं, कुछ बच्चे मोटे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं और कुछ लंबे कद्दू होते हैं। तो शारीरिक रूप से भी व्यक्ति या अपन सम्मानित बालक अलग अलग दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा संवेगात्मक दृष्टिकोण से, यहां आपने शारीरिक में क्या देखा? दुबले हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, नाटे हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं।
जबकि आपने यहां पे देखा प्रतिभाशाली हो सकते हैं, जड़ बुद्धि हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका संवेगात्मक, संवेग की दृष्टिकोण से। संवेग क्या है? संवेग मन की मूल प्रवृत्तियां हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कौन सा होता है? भय। उसी तरीके से संवेगात्मक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे दुस्साहसी होते हैं, कुछ बच्चे गुस्से वाले क्रोधी होते हैं, कुछ बच्चे डरपोक होते हैं। तो अलग अलग हमें बच्चों में ये सब प्रवृत्तियां देखने को मिलती। हम उन्हीं व्यक्ति भिन्नताओं के आधार पर बच्चे को क्लास में टीचिंग करवाते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण से भी व्यक्ति भिन्नता हमें देखने को मिलती है। वो कैसे? आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं अंतर्मुखी। कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। कई होते हैं बहिर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्ति लीडरशिप नेतृत्व क्षमता जिसमें सबसे ज्यादा होती है वो बहिर्मुखियों में होती है, और जितने भी अभियांत्रिकी क्षेत्र में लगे हुए हैं उनमें होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। लेखक है, कवि है, ये सब अंतर्मुखी होते हैं, जबकि एक नेता जो होता है वो होता है बहिर्मुखी। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमें देखने को मिलती है। तो आज आपने जो पढ़ा कि व्यक्तिगत भिन्नता जो है आपको मानसिक, शारीरिक, संवेदात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण में अलग अलग देखने को मिलती है। अब आप जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता जो है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बताना है व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है, फिर टाइलर, जेम्स ट्रेवर, इसके अलावा क्रो एंड क्रो, स्किनर की परिभाषाएं, ये सब आपको याद होनी चाहिए। और इनको याद करने के लिए आपको कीवर्ड्स को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको कीवर्ड्स पता है तो आप डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो। और एग्जाम पैटर्न की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जितनी ज्यादा डेफिनेशन आप कॉपी में लिखेंगे आपके उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ध्यान रखिए, आगे देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का आगे का पार्ट। व्यक्तिगत भिन्नता को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला है इंट्रा और दूसरा है इंटर। इंट्रा का मतलब होता है अपने अंदर, मतलब व्यक्ति अपने अंदर कैसे कैसे एक ही व्यक्ति में अलग अलग विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं कुछ व्यक्ति या कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनका शारीरिक विकास तो बहुत अच्छा होता है लेकिन मानसिक विकास निम्न स्तर का होता है, या कुछ बच्चे दुबले पतले होते हैं लेकिन उनका मानसिक विकास बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमें मिलती है इंट्रा विभिन्नता। कौन सी विभिन्नता? इंट्रा। इसके बाद आती है इंटर। इंटर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ। इंटर का मतलब जो है बाह्य गुण, मानसिक व शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न बालकों में एक बालक से दूसरे बालक में जो भिन्नता हमें देखने को मिलेगी वो आएगी इंट्रा में। किसमें आएगी? इंट्रा में। इंटर में कौन सी आएगी? एक ही व्यक्ति में शारीरिक व मानसिक शक्तियों में विभिन्नता होना, ये सब क्या है? इंट्रा है। जबकि इंटर है शारीरिक व मानसिक विभिन्नता, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न भिन्न होना। तो क्या है इंटर में? देखिए क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। आप देखते हो बुद्धि संबंधी विभिन्नता, बुद्धि संबंधी विभिन्नता, बुद्धि संबंधी विभिन्नता में क्या है? आप देखते हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली है, जो क्या है? प्रतिभाशाली। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जड़ बुद्धि है। कई बच्चे जो है सृजनशील है। ये सब विभिन्नता आपको बालकों में देखने को मिलती है, और इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर आज हमारी शिक्षण व्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए हमें इस व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो बुद्धि संबंधी विभिन्नता देखने को मिलती है। दूसरी आप देखते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम संबंधी विविधता भी हमें देखने को मिलती है। शारीरिक विभिन्नता, शारीरिक
विभिन्नता। आप जानते हैं कुछ बच्चे लंबे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ लोग विकलांग होते हैं, तो अलग अलग विभिन्नता हर व्यक्ति में देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं शारीरिक विभिन्नता के अंतर्गत। इसके अलावा चौथा आता है अभिरुचि। अभिरुचि संबंधी विभिन्नता में आप जानते हैं रुचि, किसी व्यक्ति की बच्चे की वाचन में रुचि होती है, किसी की गणित में रुचि होती है, किसी की साइंस में रुचि होती है, किसी बच्चे के गणित में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं आ पाते, तो ये सब क्या है? ये है आपकी अभिरुचि संबंधी विभिन्नता। इसके अलावा आप जानते हैं अभिवृत्ति संबंधी विभिन्नता, ये है सकारात्मक, ये है अभिवृत्ति। किसी के प्रति आप जानते हैं कुछ व्यक्तियों को लिखना बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को बोलना बहुत पसंद है, वो उनकी अभिवृत्ति पर। इसके अलावा आप जानते हैं कि समाज में ऐसे कई पहलू हैं जिन पर एक बच्चे का सकारात्मक दृष्टिकोण होता है जबकि दूसरे बच्चे का नकारात्मक दृष्टिकोण भी हो सकता है, तो अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति किसी भी बच्चे की हर व्यक्ति के प्रति, हर टीचर के प्रति अलग अलग हो सकती है। इसके बाद जो छठा पॉइंट आता है वो आता है उपलब्धि संबंधी विभिन्नता। आप जानते हो हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, बच्चे के मूल्यांकन के आधार पर हमें उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर पता चलता है कि ये बच्चा गणित में होशियार है, ये बच्चा सभी सब्जेक्ट्स में होशियार है, ये बच्चा हिंदी में बहुत अच्छा कर रहा है, ये बच्चा साइंस में बहुत अच्छा कर रहा है। तो हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नता है, इसीलिए हम व्यक्तिगत भिन्नता को पढ़ते हैं। तो आपने देखा बुद्धि संबंधी विभिन्नता पाई जाती है, आपने देखा वंशानुक्रम संबंधी विविधता पाई जाती है, आपने देखा शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है, अभिरुचि संबंधी विविधता पाई जाती है, अभिवृत्ति संबंधी विविधता आपको देखने को मिली, इसके अलावा उपलब्धि संबंधी विविधता भी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके बाद अपन पढ़ते हैं गामक संबंधी, गामक संबंधी विभिन्नता। गामक संबंधी विभिन्नता का मतलब है कि कई बच्चे यांत्रिक कार्यों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कई बच्चे यांत्रिक कार्यों को नहीं करके अमूर्त कार्यों को बहुत अच्छा करते हैं, सोचने विचारने तर्क करने की कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। तो गामक संबंधी विभिन्नता भी हर बच्चे में अलग अलग हमें देखने को मिलती है। आप देखते हो सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो समाज में जल्दी से घुल मिल जाते हैं, कई बच्चे समाज से अलगाववादी दृष्टिकोण रखते हैं, इसी दृष्टिकोण से कई बच्चे चोर बन जाते हैं, डरपोक बन जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। तो ये सामाजिक रूप से हर बच्चे की अपनी एक विभिन्नता है। उसके बाद जो आता है, आपने देखा अभिरुचि हो गया, अभिवृत्ति हो गया, उपलब्धि हो गया, गामक हो गया और सामाजिक हो गया। इसके अलावा आपने देखा प्रजातीय, प्रजाति विभिन्नता भी हमें देखने को मिलती है, रंग रूप नस्ल इन सब का भी व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा असर होता है। हर बच्चे का रंग रूप आकार ये सब क्या होता है? प्रजातीय भेद उसमें पाए जाते हैं। तो आज आपने पढ़ा कि व्यक्तिगत भिन्नता में कौन कौन सी विभिन्नता के स्तर पाए जाते हैं। अब बात यह है कि हर बच्चे में जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है? क्या है ऐसा कि हर बच्चे की क्वालिटी अलग अलग होती है, हर बच्चे का मानसिक विकास, हर बच्चे का शारीरिक विकास, इसको कौन कौन प्रभावित करता है? तो वो हम अब देखेंगे कि एक व्यक्तिगत भिन्नता हर बच्चे की व्यक्तिगत क्वालिटी, उसमें क्या क्या व्यक्तित्व के गुण अलग अलग क्यों पाए जाते हैं, इसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है? तो वो हम देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला जो कारक आता है वो आता है वंशानुक्रम। वंश का बहुत बड़ा असर होता है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। आप जानते हो एक भाई दूसरे भाई से भी अलग दिखता है, तो ये क्या है? वंशानुक्रम व्यक्ति भिन्नता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। करता है नहीं करता?
करता है पंचानुक्रम। दूसरा करता है बच्चों वातावरण। कौन करता है? वातावरण। समझ में आ रहा है? दूसरा है वातावरण। वातावरण का क्या असर पड़ता है उस ध्यान से सुनो। आप जानते हो कई गर्म इलाके में रहते हैं, कई ठंडे इलाके में रहते हैं, कई सम जलवायु में रहते हैं, कोई विषम जलवायु में रहता है। तो सम जलवायु का पॉजिटिव इफेक्ट, सकारात्मक दृष्टिकोण बालक के ऊपर पड़ता है, जबकि जो गर्म इलाके में रहते हैं वो स्वभाव के क्रोधी होते हैं बजाय किसके, ठंडे इलाके। तो जितना ज्यादा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, उसका बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और वातावरण के आधार पर ही बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है समाज। अगर हमारा समाज अच्छा है, वहां की सोच अच्छी है, वहां समाज में कौन कौन से गुण है, समाज की जो कुरीतियां हैं उनसे भी व्यक्ति भिन्नता आती है। हर बच्चे में अलग अलग वातावरण का, अलग अलग चीजों का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, पड़ता है नहीं पड़ता। तो व्यक्ति भिन्नता को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, समाज भी प्रभावित करता है और शैक्षिक स्तर कौन प्रभावित करता है, शैक्षिक स्तर। पांचवा प्रभावित करता है आपका आर्थिक कारक। अगर अच्छी स्थिति होगी और एक किसी भी बच्चे की स्थिति अच्छी नहीं होगी, उसका भी बालक पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आर्थिक स्थिति का भी बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शैक्षिक स्तर का, आप जानते हैं कि बच्चे का जो एनवायरनमेंट है स्कूल का, उससे भी हर बच्चे में एक अलग गुण का विकास होता है और हर बच्चा अपने दूसरे बच्चों से अलग दिखने लग जाता है। तो आप जानते हैं व्यक्ति भिन्नता को कौन कौन प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, समाज भी प्रभावित करता है, शैक्षिक स्तर भी प्रभावित करता है और कई आर्थिक कारक भी व्यक्ति भिन्नता को प्रभावित करते हैं। तो आज आपने व्यक्ति भिन्नता को ध्यान से पढ़ा। सबसे पहले व्यक्ति भिन्नता क्या होती है, फिर व्यक्ति भिन्नता से संबंधित आपने स्कीनर, जेम्स ड्राइवर, एमडी दास, इसके अलावा क्रो एंड क्रो, टाइलर, इन सबकी परिभाषाएं देखी। फिर आपने देखा कि हमें किन किन रूपों में व्यक्ति भिन्नता दिखने को मिलती है। तो आपने देखा शारीरिक, मानसिक, संवेदात्मक और सामाजिक रूपों में हमें व्यक्ति भिन्नता देखने को मिलती है। फिर आपने देखा कि व्यक्ति भिन्नता के कितने रूप होते हैं, तो दो रूप पड़े आपने, एक होती है इंट्रा और एक होती है इंटर। इंट्रा का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर ही अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। जो बच्चे दुबले पतले हैं लेकिन उनका मानसिक विकास अच्छा होता है, और जो बच्चे हट्टे कट्टे हैं उनका भी मानसिक विकास अच्छा नहीं होता है। तो उनके अंदर ही अलग अलग विभिन्नता अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, इंट्रा की, इंट्रा में आपने देखा बुद्धि संबंधी विविधता, गामक अभिक्रियाएं जो होती है उनमें विभिन्नता, सामाजिक प्रवृत्तियों में विभिन्नता, प्रजातीय विभिन्नता, शारीरिक मानसिक विभिन्नता, ये सब विभिन्नताएं हमें, अभिरुचि संबंधी विभिन्नताएं, ये सब आपने किसमें पढ़ी, व्यक्ति भिन्नता। अब व्यक्ति भिन्नता को प्रभावित कौन कौन करता है, वंशानुक्रम, वातावरण, समाज, शैक्षिक स्तर और आर्थिक कारक। तो आज आपने व्यक्ति भिन्नता पढ़ी। अब बात है कि व्यक्ति भिन्नता को हम पढ़ते क्यों है। व्यक्ति भिन्नता को पढ़ने के पीछे हमारा शिक्षकों का उद्देश्य यही होता है कि हम हर बच्चे को जो औसत से अधिक है और औसत से कम है उनको एक ही क्लासरूम में किस तरीके से ट्रीट करें कि हर बच्चे की प्रतिभा उभरे, उस बच्चे को जितना वो सीख सकता है, जितनी उसकी मानसिक क्षमता है उसके आधार पर विकास कर सके, इसके लिए हम व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ते हैं। उसके बाद कल जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा, हम जो एजुकेशन के बारे में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए आगे की क्लास लेंगे और मनोविज्ञान के आगे के जो भी सब्जेक्ट्स के जो भी टॉपिक्स है उन सबको मैं इस क्लासरूम में ऑनलाइन क्लासेस जो हमने स्टार्ट करी है
उनमें मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाती रहूं, तो नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। और आप चाहते हैं कि मैं रेणु वैद, जो कि आपको शिक्षा मनोविज्ञान के इन टॉपिक्स को क्लियर करवा रही हूं, तो आपको पढ़ाऊं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि मैम आपने क्या पढ़ाया, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, क्या क्या कमियां रह गई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आपको क्या पीडीएफ चाहिए, किस तरीके से नोट, जो भी मैं इस क्लासरूम में आपको लिखवा रही हूँ, आप इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक रहेंगे। तो चलती हूँ, धन्यवाद।